फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 का पहला वीकेंड का वार था जो काफी ज्यादा धमाकेदार रहा। हमेशा की तरह शो के होस्ट सलमान खान के होस्टिंग स्टाइल ने फैंस को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया। शो में सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स को उन्हीं की गलती को लेकर सच्चाई का आईना भी दिखाया, लेकिन ये क्या, कंटेस्टेंट से बात करते करते किंग खान को यहाँ पर आ बैठी याद शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। शिल्पा शेट्टी और सलमान खान की दोस्ती के बारे में हर कोई जानता है। बिग बॉस के मंच पर सलमान खान ने राज कुंद्रा को याद किया, जिसके बाद कंटेस्टेंट्स भी हैरान रह गए और फैंस भी। दरअसल सलमान खान शो के कंटेस्टेंट करण कुंद्रा से बातें कर रहे थे और सलमान ने करण कुंद्रा को राज कुंद्रा कह दिया। राज कुंद्रा का नाम दबंग खान के मुंह से सुनते ही सभी कंटेस्टेंट्स हैरान रह गए और इसके बाद सलमान खान ने तुरंत ही कह दिया, करण कुंद्रा समझ गया और राज कुंद्रा भी समझ ही गया है। अब ये सब कुछ मस्ती मजाक में हुआ या सलमान खान ने जानबूझकर किया, हमें तो समझ नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग भी कह रहे हैं, राज कुंद्रा का नाम लेने की जरूरत ही क्या थी। आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में कुछ ट्वीट्स देख रहे होंगे, भाई सोशल मीडिया पर लोग यही सवाल कर रहे हैं, व्हाई बीइंग सलमान खान हैड टू ब्रिंग राज कुंद्रा नेम, आई मीन व्हाट्स द पॉइंट, इट वॉज नॉट फनी, सॉरी। मतलब सलमान खान ने जो नाम ले लिया राज कुंद्रा का, ये सलमान खान का रवैया लोगों को फनी नहीं लगा, बल्कि लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है। आपको बता दें, राज कुंद्रा बीते दिनों करीब 64 दिन बाद ही जेल से छूटकर अपने घर लौटे हैं और इन सब के बाद सलमान खान शिल्पा शेट्टी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। सलमान का वीकेंड के वार पर राज का नाम लेना यूजर्स को पसंद नहीं आया। खैर, इस पर शिल्पा शेट्टी का कोई रिएक्शन सामने भी नहीं आया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।